हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुपिंदर। स्वागत है आपका टेस्टी टेस्टी वीकेंड्स में। और आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट बनने वाले वेज रैप्स, जो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक रोटी ले लेंगे। मैंने रोटी यहाँ पे मैं रोटी के साथ वेज रैप बना रही हूँ। अगर गेहूं के आटे की रोटी ली है, अगर आप चाहें तो आप मैदा भी यूज़ करके रोटी बना सकते हैं। और अब इस रोटी को मैंने भीत से काट लिया है हाफ तक। आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे काटा है। और अब हम इस पे एक तरफ लगाएंगे, इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, फिर हम रखेंगे इस पे कटे हुए प्याज, उसके बाद हम इस पे रखेंगे कटी हुई शिमला मिर्च, और फाइनली इस पे डालेंगे बहुत सारी चीज़ एक तरफ। और हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, है ना ये कितना आसान, बहुत ही झटपट बनने वाला है। और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और अब हम इस पे लगाएंगे बटर, और अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसे तब तक सेकेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए एक तरफ से। तो अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ लगाएंगे बहुत सारा बटर। और जब ये एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए तो दूसरी तरफ से सेकेंगे। और ये तैयार है हमारा पहला पिज्जा रैप। अब हम दूसरा रैप बनाएंगे। एक और रोटी लेंगे और उस पर अब हम रखेंगे एक चीज स्लाइस, और बाकी रोटी को हम कवर कर देंगे मेयोनेज से। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बहुत सारे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, और इस पर थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से प्याज और चीज। इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स। इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। और ये फोल्ड हो गया है। और अब हम इस पे लगाएंगे मक्खन और इसे फ्लिप कर देंगे और सेकेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। और दूसरी तरफ भी मक्खन लगा लेंगे और इसे दोनों तरफ से तब तक पकाएंगे जब तक ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। और ये तैयार है हमारा स्वीट कॉर्न चीज़ रैप। तो ये बहुत ही आसान दो रेसिपीज़ है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को, तो ये रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।